नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं IRCTC के बारे में। IRCTC के अगर स्टॉक की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा माइनर सा करेक्शन इसमें देखने को मिला है आपको। और यहां पर अगर लास्ट 5 डेज की बात करें तो स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन IRCTC के लिए जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिनिमम 6 मंथ या मैक्सिमम 6 to 9 मंथ की आप बात लेकर के चल सकते हैं। और यहां से स्टॉक में आपको बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। अब यहां पर ऐसा क्या कुछ है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे IRCTC 1 मंथ में लगभग 2% का आप रिटर्न यहां पर लेकर के चल सकते हैं। और बहुत सारी यहां पर अप एंड डाउन भी देखने को मिले हैं। इस समय जब प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर आपको ये स्टॉक मिल रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में बहुत शानदार रिकवरी भी हुई, क्योंकि मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी, ओवरऑल यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप करते हैं इस स्टॉक में निवेश और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं तो आप यहाँ से डेफिनेटली बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इनका जो 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है, कंपनी का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही साथ यहां पर जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है वो है निफ्टी 50 में इसकी एंट्री, और ये बहुत बड़ी चीज है। कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी 50 के अंदर आ जाता है तो आपको पता है कि उसका अलग से उसको बेनिफिट देखने को मिलता है। कंपनी के फंडामेंटल्स और सारी चीज़ें तो काम करती ही करती हैं, लेकिन निफ्टी 50 का अपना अलग ही जलवा है। और अगर IRCTC उसमें ऐड हो जाता है, जो कि मार्च में हमें पता लग जाएगा, तो इसी वजह से आप देखेंगे कि IRCTC आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। और बहुत ज़्यादा लो लेवल पर भी आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे गिरावट में करेक्शन में आपको ये स्टॉक मिले आप उठा करके बैठ सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी 8 फरवरी को डिविडेंड भी आपको देने वाली है, ये भी आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि आप यहां से लेकर के चल सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ से, और बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, अपनी खुद को मोनोपोली है। और इस बार जो इनका Q3 का रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ सितंबर में 404 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, और वहीं प्रॉफिट कंपनी का 158 करोड़ का देखने को मिला था। जून क्वार्टर की बात करें तो यही प्रॉफिट 82 करोड़ रुपए का था, लेकिन मार्च क्वार्टर में आप देखेंगे 103 करोड़ का था। लेकिन इस बार जो ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर ये प्रॉफिट 200 करोड़ के भी प्लस होने वाला है, ये आप यहाँ पर लेकर के चलिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा जब ये दिसंबर क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंड्स, बहुत सारे बिजनेस इनके पटरी पे आना शुरू हो चुके थे, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए इस कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सोच करके चल रहे हैं। तो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करते हैं तो आपका पैसा डबल तो होना 100% है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी लेके चलेंगे तो 950 रुपये का टारगेट लेके चलिएगा। फर्स्ट टारगेट 900 रुपये का रखिएगा, और सेकंड टारगेट 950 का, थर्ड टारगेट 1100 रुपये का आप यहां पर लेकर के चल सकते हैं। 1100 रुपये का टारगेट भी आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको जरूर रखना होगा। तो दोस्तों निफ्टी 50 में इसकी एंट्री की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि येस बैंक जैसे स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर यहाँ पर हो जाएंगे, और IRCTC के आने से बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबाइएगा दोस्तों।